हाय एवरीवन, दिस इज़ गुरु हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं इन न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब कंपैरिजन के बारे में। तो इसके बीच में कौन सा टैक्स स्लैब किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो भी हम बात करेंगे पूरी तरह से। तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा जैसे ओल्ड टैक्स स्लैब कैसे था। जैसे अगर ओल्ड टैक्स स्लैब अगर देखते हो ना, इसमें एक फर्स्ट नॉर्मल गाइडलाइंस ऐसे थे कि जैसे 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है। उसके बाद 2.5 लाख टू 5 लाख वी हैव 5%, 5 लाख टू 10 लाख वी हैव 20%, एंड देन अबाउट 10 लाख इज 30%। ये पहले वाला था। और उसके बाद नया वाला कैसा है, अप टू 3 लाख तक नो इनकम टैक्स। उसके बाद 3 टू 6 लाख वी हैव 5%, 6 टू 9 लाख 10%, 9 टू 12 लाख 15%, एंड 12 लाख टू 15 लाख इट इज 20%, एंड अबव 15 लाख इट इज 30%। तो एक हुआ था। मगर इसके बीच में और एक डेफिनेशन भी आया था, जैसे ओल्ड टैक्स स्लैब्स में, जैसे न्यू टैक्स स्लैब में अप टू 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, और जो जैसे इसमें और ओल्ड टैक्स रेजिम में अप टू 5 लाख तक नो इनकम टैक्स है। तो उसका मतलब एक होता है कि जैसे आपका इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तब जाके उसको आपको कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। हम अगर 5 लाख से ऊपर अगर जा रहे हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 2.5 लाख ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा बहुत स्लाइट कंपैरिजन भी कर सकते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम के बीच में, तो दोनों में तो ये अप टू 5 लाख अप टू 7 लाख ये लोगों ने पहले ही मैंशन कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजिम में आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो। ये सिर्फ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सैलरी वीडियो के लिए है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, ना कि बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ और हो सकता है तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको पहले जो भी मिल रहे थे वो आपको कंटिन्यू होगा। जैसे ये हो सकता है कि HRA हो सकता है, LIC हो सकते हैं, आपको जो इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ELSS होगा, आपका हाउसिंग लोन, ट्यूशन फीस, एनीथिंग, और HRA, एनीथिंग यू आर क्लेम ना जस्ट लाइक ओल्ड, वो अभी कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ हम सिनेरियो लेंगे तो चेक करने के लिए कि कौन सा इनकम टैक्स स्लैब किसके लिए बेनिफिशियल है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक इजी कैलकुलेटर है क्लियर टैक्स में, उसे हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ 60K बिलो एज ग्रुप के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इनकम यहाँ पर ऐड करूँगा फर्स्ट। तो फर्स्ट मैं इनकम ऐड करूँगा 7 लाख, क्योंकि मुझे मालूम है 7 लाख तक तो एग्जम्पशन ही रहेगा। देखो अभी कितना 7 लाख ओके। तो उसके बाद आता है एग्जम्प्ट अलाउंसेस, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, आप इसमें क्लब कर सकते हो, जैसे HRA हो गया, LTA, प्रोफेशनल टैक्स, वो सब कुछ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1,20,000 रुपीज़ एक राउंड फिगर मैं ऐड कर दूंगा। जैसे 1 लाख हम HRA कंसिडर करेंगे तो बाकी जो भी अलाउंस है छोटा मोटा उसको हम 1,20,000 रुपीज़ के आसपास क्लब कर देंगे। तो मैं बाकी सब कुछ ऐसे छोड़ दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ATC में हम 1.5 लाख तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, तो उतना ही हम ऐड करेंगे। और उसके बाद ATCCD B, इसमें हम क्या करेंगे 50, जैसे इसमें होता है नेशनल पेंशन स्कीम, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसे मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट। तो अभी आप देख सकते हो ओल्ड या न्यू टैक्स क्लेम दोनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 लाख तक ही है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 0-0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, हमेशा इसे हमें देखना होता है, टैक्सेबल इनकम ओल्ड में आ रहा है 3.3 लाख, तो इसके लिए वो एग्जेम्प्टेड है। जैसे वो नया वाला है वो भी 7 लाख के नीचे आ रहा है, जैसे 6.5 लाख, तो इसके लिए वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर हमें थोड़ा ज़्यादा हम करके देख सकते हैं, जैसे 8 लाख तक, उसके बाद हम क्या करेंगे 8 लाख का एक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 8 लाख जैसे मैंने ऐड कर दिया, अगर आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स वाला अभी भी 5 लाख के नीचे ही है, तो उसके लिए उसका जो 4,30,000 आ रहा है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, तो इसके लिए कोई इनकम नहीं हो सकता, उसके लिए टैक्स नहीं होगा। जो नया वाला है वो क्या हो जाएगा, जैसे वो 7 लाख क्रॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा टैक्स कैलकुलेट हो गया उसका। तो इसके लिए यहाँ पे अभी हम देखते रहेंगे, जैसे अगर
इनकम आपका 8 लाख है और आपका क्या बोलते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पे सारे हैं, सब कुछ है जैसे मैंने अभी दिखाया, तो आपके लिए ओल्ड इनकम टैक्स बेनिफिशियल है, नया वाला नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा जंप करेंगे, एक 11 लाख हम ले लेंगे, 11 लाख, ठीक है, 11 लाख लेकर अभी हम कैलकुलेट करेंगे वापस कौन सा बेनिफिशियल है। अगर अभी देख सकते हो 11 लाख में क्या हो रहा है, ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको 60,840 रुपीज़ का कुछ टैक्स आ रहा है, जो नया वाला टैक्स स्कीम है उसमें आपको 70,200। तो स्टिल आपको जब तक 11 लाख तक भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही आपको बेनिफिशियल है, तो ये कंसिडर कर सकते कि ओल्ड टैक्स अभी भी बेनिफिशियल है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इसको, हम क्या करेंगे 13 लाख हम ऐड करेंगे, 13 लाख लेकर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखेंगे कौन सा बेनिफिशियल है। तो अगर अभी भी देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,000 रुपये आपको स्टिल बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, जैसे ओल्ड में 1,02,000 है, नए वाले में 1,04,000 है। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब में क्या हो सकता है, जैसे सैलरी बढ़ जाएगा 14 लाख के आसपास। अभी हम क्या करेंगे 14 लाख मैंने एक टोटल CTC ऐड कर दिया, किसी बंदे का 14 लाख है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए एक बहुत माइनर चेंज है, जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या हुआ है, विथ ऑल डिडक्शंस इसका आ गया 1,26,360 रुपीज़। और उसके बाद अगर नया वाला टैक्स स्लैब देखते हैं वहाँ पे, उसमें 1,24,800 रुपीज़ आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक ब्रेक पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। अगर बंदे का इनकम है कुछ 14 लाख, तब उसको डेफिनेटली नया टैक्स स्लैब में ही जाना पड़ेगा और वही उसके बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हम ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपका इनकम 14 लाख या 14 लाख के अभाव है, तो आपको नया टैक्स स्लैब बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, इसमें और एक कैच है, अगर आपका हाउसिंग लोन वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोई भी आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, तो आपको अभी भी 1-2 लाख का एक्स्ट्रा आपको ऐड कर सकते हो, जैसे आपका 16 या 17 लाख तक भी आपको खींचेगा यहाँ पे। जैसे क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप से अब तभी भी क्या कर सकते हो, हाउसिंग लोन ऐड कर सकते हो, जो न्यू टैक्स रेजिम में आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप ओल्ड टैक्स रेजिम हाउसिंग लोन के साथ साथ कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका हाउसिंग लोन नहीं है, तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप नया टैक्स स्लैब में चले जाइए। अभी हम क्या करेंगे, और एक कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जैसे एक का 16 लाख इनकम है, तो उसके बाद चेक करेंगे उसका क्या हो रहा है। जैसे 16 लाख आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज गैप आ गया, जैसे टैक्स ओल्ड में आ गया 1.8 लाख और नया में आ रहा है 1.7 लाख, कितना डिफरेंस आ गया अभी आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। तो गवर्नमेंट का पुश यही है कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके वो लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे, ताकि लोग नए टैक्स रेजिम में चले जाए और टैक्स पे करना स्टार्ट कर दीजिए, यही उनका बोलने का एक मतलब था। अगर आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आप इसमें भी चेंजेस देखोगे, नया टैक्स स्लैब इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है मेरे हिसाब से, आप देखते रहिए, हो सकता है तो आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये कंसिडर कर लो, आप क्या कर लो, आपका जो नया CTC है ना, उसको अमाउंट को इसमें क्लियर टैक्स का जो कैलकुलेटर है उसमें ऐड करो, और सारा आपका जो इन्वेस्टमेंट से एग्जम्पशन से सब कुछ ऐड करो, और उसके बाद उसे कैलकुलेट करके खुद ही चेक करो कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल है। तो एक पॉइंट हो गया सेलेक्ट करने के लिए, आपको ओल्ड में रहना है कि नया लेना है। और एक मेरा सजेशन है, जस्ट फॉर सेविंग पर्पस आपको इनकम टैक्स सेव करना है, इसके लिए आप कोई जाके घर मत ले, घर ले लो, घर लेने का ये मत करो, क्योंकि घर लेना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जैसे एक 20 साल का एक कमिटमेंट हम बोल सकते हैं, 20 ईयर्स कमिटमेंट, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। तो एक जब सोच रहे हो ना घर लेने का, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में सोचो, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि एक बार अगर घर लेने में फंस गए ना, तो उसके बाद लाइफ टाइम उसी में फंसे रहोगे। थोड़ा सा एक बार सोचो, इज़ इट रियली रिक्वायर्ड और नॉट। मैं घर लेने के बारे में भी एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका वीडियो भी एक बार चेक कर लो,
उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लो आपको घर लेना है कि नहीं लेना है। सो दैट इज़ ऑफ वो टॉपिक अभी कवर नहीं करेंगे हम। तो इतना तो क्लियर हो गया ना आपको जो नया इनकम टैक्स या ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा विथ माई आंसर्स आफ्टर कैलकुलेटिंग। ठीक है, मैं कैलकुलेट के आपको आंसर भी दे दूँगा अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे तो। आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।